अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एज यू नो, फाइनल टर्म पेपर्स ऑफ स्प्रिंग 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टूडेज़ गाइडलाइंस स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं, मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विजेज करने हैं। लेटेस्ट क्विजेज के बारे में बताया था कि मींस अगर आपके 4 क्विजेज हैं तो लास्ट 2 क्विजेज आई थिंक आपके फाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19-45 है, बाकी के 22-45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विजेज हैं, सेकेंड क्विज हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज कहलाएगा। अब सपोज करो 4 क्विजेज होते हैं, क्विज 1, क्विज 2, 3 एंड 4, तो क्विज 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विजेज करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विजेज, पास्ट पेपर के भी क्विजेज ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विजेज देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ी आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। चलिए जी, आज हमारा जो पेपर है जो शेयर करने वाली हूँ MCM 304 का, कोई स्टूडेंट ने शेयर किया था, तो ये पार्ट नंबर सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आवर कल्चर, राइट डाउन द नेम ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ लाउड, आई थिंक इस टाइप का कोई है। USA एंड ब्रिटेन प्रोटेस्ट अगेन इराक, अल जजीरा वॉर, ठीक है, इसके बारे में कुछ था, और हु ओन्स अथॉरिटेरियन एंड सोशल कोविड थ्योरी, राइट टू एजम्पशन ऑफ अथॉरिटेरियन थ्योरी। पहले जो पार्ट्स मैंने आप लोगों को पेपर शेयर किए हैं उसमें रेडियो और टेलीविज़न के बारे में ज़्यादा था, मूवीज़ के बारे में ज़्यादा था, ठीक है, और अब यहाँ पर देखें अथॉरिटेरियन जो टॉपिक है उसके बारे में ज़्यादा आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन हो गया, हमारा कल्चर हो गया, एम सी क्यू सारे डेट्स थी, एक था जस्ट रिटन फॉर्म में हु इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट पेपर देखते हैं, नेक्स्ट पेपर है मैथ्स मीडिया का, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ पब्लिशिंग हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आफ्टर 34 इयर्स। महमूदुर रहमान है, हमूदुर रहमान है, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने किया है इसका, ठीक है, जैसे राइट किया हुआ, मैं तो एज इट इज़ पढ़ रही हूँ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमूदुर रहमान या जो भी है, तो इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस जो पेपर से उसमें भी पूछा गया था, मीन्स ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो गया। फॉर व्हाट पर्पज़ अ टेप रिकॉर्डर कैन बी यूज, व्हाट वॉज द एग्रीड ट्रेड पॉलिसी बिटवीन पाकिस्तान द इंडिया रिगार्डिंग फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी पहले भी पूछा गया। व्हाट रोल कंप्यूटर इज प्लेइंग इन द फील्ड ऑफ मैथ्स कम्युनिकेशन, 3 मार्क्स का था, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड पब्लिक। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रीफली डिस्कस द रिमार्केबल डिवेलपमेंट टेलीविजन आफ्टर 1960s, पाकिस्तान की डिवेलपमेंट यानी पाकिस्तान के बाद भी टेलीविजन का किरदार पूछा गया, डिवेलपमेंट पूछी गई उससे पहले भी, 60s के बाद भी, इस टाइप का टेलीविज़न और रेडियो के बारे में अच्छे तरीके से कीजिएगा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ फिल्म्स इन सब कॉन्टिनेंट, 5 मार्क्स का था। व्हाट इज चिप, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस इन कंप्यूटर, 5 मार्क्स का था। नेक्स्ट आ जाओ PTV ग्लोब, ग्लोबलाइजेशन होगा शायद, PTV नेशनल और AJK TV और फर्स्ट टेलीविज़न वॉर, VCP VCR, ये सारी एब्रीविएशन वगैरह हैं या फिर इनके टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे तरीके से कीजिएगा। फॉर्मेट ऑफ करंट अफेयर्स इन रेडियो, कैटेगरीज ऑफ TV एडवर्टीजमेंट, कैटेगरीज ऑफ कॉमेडी, यूनेस्को, आई थिंक यही है, ठीक है। ये पेपर है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, 3 पेपर्स हैं आई थिंक जो शेयर करी हूँ। ये पार्ट नंबर सेट नंबर 2 है, सेट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जैसे जैसे पेपर्स आते जाएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।